Hello friends, welcome back to Start Smart Learning where success begins. मैं हूँ चंद्रानी दे आपके साथ. आज हम डिस्कस करेंगे 6th एंड 7th जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. इसराइल सक्सेसफुली लॉन्च इट्स इंटेलिजेंस सैटेलाइट ऑफेक 16 इनटू LEO. यहाँ LEO का मतलब है लो अर्थ ऑर्बिट. तो इन्होंने ऑफेक 16 को कहाँ सेट किया है? लो अर्थ ऑर्बिट में. 6 जुलाई 2020 को सेंट्रल इसराइल की पलमाचिम एयरबेस से ये रॉकेट लॉन्च किया गया है ऑफेक 16 को लो अर्थ ऑर्बिट में. ये इस क्लास और कैटेगरी का 12th सैटेलाइट है और ऑफेक कैटेगरी के सैटेलाइट्स इसराइल 1988 से डेवलप कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है, बना रहा है. ऑफेक 16 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है जिस रॉकेट के थ्रू, उस रॉकेट का नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान रहना पड़ेगा. रॉकेट का नाम है साविट टू. रॉकेट की हेल्प से ऑफेक 16 को लो अर्थ ऑर्बिट में सेट किया है. किस कंट्री ने? इसराइल ने. अगर हम बात करें ऑफेक 16 सैटेलाइट की, तो ये एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है जिसे डिज़ाइन किया गया है स्टेट ओन कंपनी और इजरायली स्टेट ओन कंपनी इजरायल एयरस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा. इसके साथ ही साथ इजरायल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इसमें काम किया है. दैट मीन्स इजरायल के डिफेंस मिनिस्ट्री प्लस इजरायली एयरस्पेस इंडस्ट्री के कंबाइन एफर्ट से ऑफेक 16 को बनाया गया है. इसके अलावा इसमें जो कैमरा और पेलोड टेक्नोलॉजी है, इसे किसी थर्ड पार्टी कंपनी से असेंबल्ड किया गया है जिसका नाम है एल्बर्ट सिस्टम ने बेसिकली कैमरा और पेलोड टेक्नोलॉजी ऑफेक 16 के लिए तैयार किया है, जबकि रॉकेट शाविक को बेसिकली डेवलप किया है इजरायल एयरस्पेस इंडस्ट्री ने. अब इसराइल इस टाइप के रॉकेट क्यों लॉन्च कर रहा है, इस टाइप के सैटेलाइट क्यों लॉन्च कर रहा है? इसकी हेल्प से वो अर्थ की इमेजेस बहुत ही क्लियर, बहुत डीप पिक्चर ली जा सके, इसीलिए उन्होंने ये इंटेलिजेंट सैटेलाइट लॉन्च किया है. IOA adopts new branding and visual identity on completion of 100 year of participation by Indian athletes at Olympic Game. Olympic Game में Indian athlete के participate करने का 100 years complete हुआ है, इसीलिए Indian Olympic Association ने new branding and visual identity, जो आपको image में दिखाई दे रहा है, new branding and visual identity को adopt किया है. 100 ईयर कंप्लीशन के ओकेशन में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो नई ब्रांडिंग और आइडेंटिटी को 6 जुलाई को अडॉप्ट किया है. इस न्यू ब्रांडिंग एंड विजुअल आइडेंटिटी में बेसिकली इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल लोगो ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लिया गया. देख रहे हैं आप, सेकेंड नीचे वाला पार्ट जो है, इस पार्ट की बात हो रही है, इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल लोगो ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. ये जो नई लोगो बनी है, ये बेसिकली कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियन एथलेट्स अक्रॉस द कंट्री, जिन्होंने पैशनेट वर्क किया है ओवर द पीरियड ऑफ 100 ईयर. इसी के लिए कंट्री ने ये लोगो लिया है, टीम इंडिया, जिसने 100 ईयर दिया है किसको? ओलंपिक एसोसिएशन को. ठीक है, तो नया लोगो अडॉप्ट कब किया गया है? 6 जुलाई के द्वारा. किस ओकेशन पर? 100 ईयर कंप्लीशन ऑफ इंडियन पार्टिसिपेंट इन ओलंपिक गेम्स. दिहंग पतकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू बी अपग्रेडेड इनटू नेशनल पार्क. तो दिहंग पतकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? सबसे पहली चीज, असम में है. तो असम में ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसको अब गवर्नमेंट ने, दैट मीन्स असम गवर्नमेंट ने 6 जुलाई 2020 को चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि अब ये एक नेशनल पार्क है. असम में एक नया नेशनल पार्क में अपग्रेड किया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को. आफ्टर अ मंथ ऑफ कंट्रोवर्सी, द असम स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपग्रेड द स्टेटस ऑफ दिहंग पतकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू नेशनल पार्क. ये डिसीजन 6 जुलाई को कंट्री स्टेट के चीफ मिनिस्टर सर्वनंदा सोनवाल ने लिया है. यहाँ पर दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि दिहंग पतकई कहाँ पर है? डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया. ध्यान रखिएगा, डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जो अब नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दी गई है. ये टोटल
111.19 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, 111.19 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, जो अब अपग्रेड हो गया है नेशनल पार्क में। तो आपको स्टेट ध्यान रखना है कौन से स्टेट में ये नेशनल पार्क है। संस्कृत विद्यालय बिल्ड बाय इंडिया इन नेपाल इनॉग्रेटेड। तो इंडिया ने एक संस्कृत विद्यालय बनाया है नेपाल में, जिसे अभी 6 जुलाई को इनॉग्रेट किया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नेपाल में कहाँ बनाया है और किस नाम से ये संस्कृत विद्यालय बनाया गया है, ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो संस्कृत विद्यालय कहाँ बना है, ईस्टर्न नेपाल के प्रोविंस वन में, टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न नेपाल के प्रोविंस नंबर वन में 14 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से लाम डिस्ट्रिक्ट में 6 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंडिया के एम्बेसडर जो कि काठमांडू में है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में ये वर्चुअल इनॉग्रेशन किया है। अगर कहा जाए नेम ऑफ द विद्यालय, तो विद्यालय का नाम जो है श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, तो बहुत ध्यान से रखिएगा, श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय ईस्टर्न नेपाल के प्रोविंस नंबर वन के लैम डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया है 6 जुलाई को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोविड केयर फैसिलिटी विथ 10,000 बेड इनॉग्रेटेड इन दिल्ली। तो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोविड केयर फैसिलिटी सेंटर और हॉस्पिटल, जिसमें 10,000 बेड है, के साथ दिल्ली के छतरपुर में स्टैब्लिश किया गया है। जगह का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, छतरपुर में स्टैब्लिश किया गया है, जिसका नाम रखा गया है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल SPCCH, दैट मीन्स सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल इनोग्रेट किया गया है दिल्ली में, दिल्ली के छतरपुर में, जिसमें 10,000 बेड को 10,000 बेड की फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल जस्ट 10 डेज पे बनाकर कंप्लीट किया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट COVID-19 ट्रीटमेंट एंड केयर फैसिलिटी सेंटर और हॉस्पिटल है। इसमें सपोर्ट किया गया यूनियन मिनिस्ट्री के होम अफेयर मिनिस्ट्री से, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया गया है साउथ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से। तो साउथ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया है, जिसको सपोर्ट क्या किया है, फंडिंग कहाँ से हुई है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, दैट मीन्स अमित शाह के हेल्प से इसे डेवलप किया गया है। बेसिकली ये जिस जगह पे छतरपुर में बना है वो कैंपस है राधा स्वामी सदगुरु बीज का, तो राधा स्वामी सदगुरु बीज का जो कैंपस है वहाँ पर इसे डेवलप्ड किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोविड केयर फैसिलिटी सेंटर कहाँ बना है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ के, दिल्ली के, जिसमें 10,000 बेड को की फैसिलिटी है COVID-19 के ट्रीटमेंट के लिए, जिसका नाम रखा गया है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल। अ बुक ऑन डीलिंग NPA वॉज रिटन बाय उर्जित पटेल। जैसे कि हम जानते हैं अभी RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनसे पहले थे RBI के गवर्नर उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ने NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के साथ कैसे डील किया है उन्होंने अपने कार्यकाल में, उससे रिलेटेड उन्होंने एक बुक लिखी है। फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने जो बुक लिखी है उसमें उन्होंने कहा है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस बुक में बेसिकली फोकस किया है उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट इश्यूज जो अफेक्ट कर रही है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को इन रिसेंट ईयर में, इसके क्या कॉजेस रहे हैं और मिस्टर पटेल ने क्या एफर्ट लगाकर एज अ गवर्नमेंट डील किया है NPA के साथ, ये उन्होंने इस बुक में लिखा है। ये बुक बेसिकली पब्लिश किया जाएगा हैपर कॉलिंस इंडिया द्वारा, और इन्होंने कहा है, मिस्टर पटेल ने कहा है कि उन्होंने 9R स्ट्रेटजी फॉलो किया है NPA को टैकल करने के लिए। बेसिकली जीन कैस्टैक्स नेम्ड एज न्यू फ्रांस प्राइम मिनिस्टर। तो फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, जिनका नाम है जीन कैस्टैक्स। आपको यहाँ पर तीन चीज़ें याद रखनी है, फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, उन्होंने किसे सक्सीड किया है और इनका अपॉइंटमेंट किन्होंने
किया है। सो अगर हम बात कर रहे हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट इम्यूनल मैक्रॉन ने एक पब्लिक सर्वेंट को अपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए, जो है जीन कैस्टेक्स ने रिप्लेस किया है एक्वार्ड फिलिप जो कि जीन कैस्टेक्स के पहले प्राइम मिनिस्टर थे फ्रांस के। अब अगर हम बात करें जीन कैस्टेक्स ने लॉकडाउन में भी काफ़ी सारे पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी बनाई थी, जिसके लिए वो काफ़ी फेमस हुए हैं फ्रेंच मीडिया में। इसके अलावा उन्हें फ्रेंच मीडिया में काफ़ी फेमस किया है किस नाम से, मिस्टर डेकॉन फाइनमेंट के नाम से वो काफ़ी फेमस है फ्रांस में। इसके अलावा वो फ्रांस के एक्स प्राइम मिनिस्टर निकोला सरकोजी के एडवाइज़र भी रहे हैं। इसके अलावा वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी काफ़ी सालों से काम किया है फ्रांस में। तो ध्यान रखना है जीन कैस्टेक्स ने अब नया पोस्ट लिया है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे। इंजिति श्रीनिवास, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA। यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है IFSCA को एक्सपैंड करिए, या IFSCA में C का क्या मीनिंग होगा, F का क्या मीनिंग होगा, या A का क्या मीनिंग होगा, ये वर्ड एक्सपैंड करने को कहा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी दैट मीन्स ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती होगी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को या फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनीज को। सो इंद्रजीत श्रीनिवास हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। तो ये 3 years टर्म के लिए इनका अभी अपॉइंटमेंट हुआ है IFSCA में। ये अभी रिटायर हुए हैं कॉरपोरेट अफेयर सेक्रेटरी, 31 मई को अभी 2020 में रिटायर हुए हैं कॉरपोरेट अफेयर सेक्रेटरी के पोस्ट से। IFSCA will regulate all financial services in international financial service centers. तो जितने भी international financial service centers हैं उसका regulator है IFSCA. IFSCA इंडिया में establish हुआ है कहाँ पर, गांधीनगर गुजरात में। कब establish हुआ है, April 27, 2020 को। तो नया organization है, exam में आने के chances बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा establishment 27 April 2020, गांधीनगर गुजरात। चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं, ये आपको इंद्रजीत श्रीनिवास याद रखना है, जो कि 3 year टर्म के लिए अपॉइंट हुए हैं IFSCA में। RC भार्गवा रोट गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। अब बात करें अगर RC भार्गवा की, तो RC भार्गव चेयरमैन है मारुति सुजुकी की। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है, RC भार्गव कौन है, चेयरपर्सन है मारुति सुजुकी की। इन्होंने अभी एक बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। मतलब इंडियन इंडस्ट्री को, जितने भी इंडिया की इंडस्ट्रीज है, उन्हें इस समय कैसे कॉम्पिटिटिव एज पर अपने आप को स्टैब्लिश करना है, इसके लिए उन्होंने अपनी ये बुक लिखी है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि स्पेशल फ्लैक्सिबल जो स्कीम होता है वो वन ऑफ द सोल्यूशन है किसी भी इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिवनेस की इंडेक्स में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, स्पेशल फ्लेक्सिबल स्कीम की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है कॉम्पिटिटिवनेस किसी भी कंट्री की। तो अगर हम बात करें RC भार्गव, जो कि चेयरमैन है मारुति सुजुकी की, जिन्होंने बुक लिखा है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, अगर इनकी हम बात करें तो इन्हें 60 साल का एक्सपीरियंस है पॉलिसी मेकिंग में, इंडस्ट्री लीडर्स में। उन्होंने प्रैक्टिकल सजेशंस दिए हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को कि कैसे इंडिया कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बने और साथ ही साथ इक्वली जस्ट सोसाइटी क्रिएट करें। ठीक है, तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है। तो इनकी बुक में इन्होंने ये चीज़ें लिखी है कि कैसे कंट्री को कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़ना है। बुक पब्लिश हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा किया जाएगा। CBSE partners with Facebook to launch free training program for teachers. तो CBSE ने अभी पार्टनरशिप की है Facebook के साथ, जिसके थ्रू कंट्री के CBSE affiliated schools एंड टीचर्स, स्कूल के टीचर्स को एंड स्टूडेंट को फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी
फेसबुक के तरफ से। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सीबीएसई ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है या फेसबुक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम टीचर्स के लिए। तो आपको ध्यान रखना दोनों ही एंड से होगा। तो सीबीएसई और फेसबुक ने अभी अभी एक फ्री प्रोग्राम लॉन्च किया है, कंप्रहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है टीचर्स और स्टूडेंट का, जो कि किनको दिया जाएगा, सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक वर्चुअल मोड ट्रेनिंग होगा। ये प्रोग्राम जो है इसका रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई से 20 जुलाई तक स्टार्ट हो गया है, जिसमें सीबीएसई स्टूडेंट स्कूल के 10,000 फर्स्ट फेज जो कि चलेगा अगस्त से लेकर नवंबर 2020 तक, जिस फर्स्ट फेज में इन्होंने कहा है कि 10,000 टीचर्स एंड 10,000 स्टूडेंट्स को वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इस प्रोग्राम में टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब एक तरह से ऐसी इमेजिंग का यूज़ किया जाएगा जो कि रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में देखा जाएगा। एंड स्टूडेंट को कैसे ट्रेनिंग जाएगी, डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन वेलबिंग। तो आपको ये ध्यान रखना ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी टीचर्स को। वहीं स्टूडेंट की बात करें तो डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन वेलबिंग्स की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ध्यान रखिएगा 3 वीक्स का होगा, जिसमें 10,000 टीचर्स एंड 10,000 स्टूडेंट्स को, 10,000 टीचर्स को ऑगमेंटेड रियलिटी पे ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि 10,000 स्टूडेंट को ट्रेन किया जाएगा डिजिटल सेफ्टी एंड वेलबींग के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट फेज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें किसने किसने पार्टनर किया है, सीबीएसई और फेसबुक ने।